हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज क्लास सिक्स की का हिस्ट्री देखेंगे। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, इसके पहले हमने आपको जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, उसको पढ़ा दिया है और बता भी दिया है, सब क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिया गया है, तो आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। तो आज हम लोग जो है अपना हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है, क्योंकि देखिए कोर्स जो है लंबा है और हम लोग को जो है कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग जो है धीरे धीरे जो चलते रहेंगे इस लॉकडाउन में, तो हम लोग जो है अपना कोर्स कंप्लीट करते रहेंगे, उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग जो है जितना भी बताया जा रहा है उसको कंप्लीट करते रहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपने अपने जो सहपाठी हैं जो आपके अगल बगल पढ़ते हैं उनसे भी आप लोग कंसल्ट करते रहिए, उनसे संपर्क में रहिए, उनसे बातचीत मतलब करते रहिए, फ़ोन वगैरह आपके मित्र हैं जो उनसे भी मतलब कि हाँ हमारे पास क्या, आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, जो भी चीज़ें अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग भी जो उनसे लेते रहिए, तो जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो फिर जो है आप लोग अगर आपको कोई सूचना नहीं मिल पा रही है या आपको मिल रही है आपके मित्र को नहीं मिल पा रही है, तो फिर जो है उसका छूट जाएगा, और जो बाद में जो है उसको एक लंबा कोर्स जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, या जो भी लिखवाया जा रहा मान लीजिए उसको एक जो है आने के बाद जो है एक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उसे लिखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने मित्र हैं, आप लोग क्लासमेट हैं, तो आप लोग उनकी भी सहायता करें, और उनको जो है जो भी नोट्स आप बनाते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, अगर उनको उनके पास नहीं पहुंच रहा है तो उनको भी जो है आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर जो है इतने चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं और आपने यह कंप्लीट किया है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो मैं आपको वह नोट्स दे दे रहा हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर द अर्लीस्ट सोसाइटी, कह रहा है कि जो अर्लीस्ट सोसाइटी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अर्लीस्ट माने जो मतलब उस समय की सोसाइटी थी, प्राचीन जो समाज था उसके बारे में, कि प्राचीन जो समाज था वो कैसा था, जो आज समाज था वो कैसा था उसके बारे में। तो यहाँ पर दिया देखिए प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या था, पीरियड ऑफ मैन हिस्ट्री फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड इज अवेलेबल। कह रहा है कि प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में होता है कि उस समय की बात है कि जब कोई जो है लिखित साक्ष्य जो है नहीं उपलब्ध थे, उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। उसके बाद पैलियोथिक जो है पीरियड द अर्ली स्टोन एज, कह रहा है कि अर्ली स्टोन एज वेन मैन लेड द लाइफ ऑफ फूड गैदरर एंड वांडरर, कि जब आदमी जो है जो कि जो है भोजन की तलाश में भोजन इकट्ठा करने में जो है इधर उधर भटकता रहता था, घूमता रहता था, उसे बोलते हैं पैलियोथिकल पीरियड। नोमेड क्या होता है, अ वांडरर, एक घुमक्कड़ जो होता है जीवन जो होता है उसे जो है नोमेड बोलते हैं। फ्लिंट किसे बोलते हैं, अ हार्ड स्टील ग्रे स्टोन, एक जो है ठोस जो है स्टील का और जो है ग्रे कलर का, भूरा कलर का जो होता है स्टोन होता है, पत्थर होता है। मार्कोलीथर स्मॉल स्टोन, जो छोटे पत्थर होते हैं उसे मिक्रोलीथर बोलते हैं। इस प्रकार से कुछ जो है टर्म दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं जिनका यहाँ पर अर्थ दिया गया है। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो मैन हैज़ ऑलवेज बीन स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन हिज लाइफ स्टाइल, करा आदमी हमेशा से जो है स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि उसका जो लाइफ स्टाइल है, जो उसका उसके रहने का जो तरीका है वह जो है उसमें जो है सुधार होता रहे, और वो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, और आज भी हम लोग जो है अपनी जो है लिविंग जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको हम लोग बदलने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं, ताकि हमारे जीवन में नई जो है उपलब्धियां हमें मिलती रहें। इन दिस स्ट्रगल, करा कि इस जो है संघर्ष में विच हैज़ बीन लॉन्ग एंड पेनफुल, करा यह जो संघर्ष है वो एक लंबा है और जो है बहुत ही जो है दुखदाई है, कठिन भी है। ही हैज़ बीन सक्सेसफुल टू ग्रेट एक्सटेंट, और करा वो लोग जो है सफल हो गए जो है एक जो है बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में। जो आदि मानव थे वो जो है एक लंबा संघर्ष तो किए, लेकिन उसको जो है जीवन में कुछ करने में जो है वो सफल हो गए। द स्पीड ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस एक्सेलरेटेड ओनली इन
8000 BC और अबाउट 10000 ईयर एगो करा, जो उनके बढ़ने का, जो उनके जो सुधार का जो मतलब जो तेज होने सुधार होना था वो 8000 BC से लेके 10000 BC तक जो बहुत तेज़ी से हुआ है, 8 से 10000, उसके पहले जो है बहुत जो है तेज़ी से इनका विकास नहीं हुआ था। द स्पेक्टेटर्स प्रोग्रेस मेड इन द लास्ट फ्यू डिकेस, और कह रहा जो शानदार जो बढ़ोतरी हुई है, जो उनका प्रोग्रेस उन्नति हुई है, वो कुछ ही जो है शताब्दियों में उनका जो है प्रोग्रेस हुआ है। हाउ एवर थ्रीटेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर लीडिंग द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमंस, और जो है कह रहा कि द स्पेक्टेटर्स प्रोग्रेस, आगे देखिए, द स्पेक्टेटर्स प्रोग्रेस मेड इन द लास्ट फ्यू डिकेस, ये तो हम लोग पढ़े हैं। हाउ वी गट रिटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर लीडिंग द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमंस, वही बता रहा है कि मतलब प्रकृति के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से लोग जो है प्रकृति में रहते थे और किस प्रकार से जो है अपने जीवन का गुजारा करते थे, कैसे जो है प्रकृति के साथ जो है एक बैलेंस यानी संतुलन बना के लोग रहते थे। स्टोन एज लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और कह रहा कि जो स्टोन एज था वो ख़त्म हो गया सर हजारों साल पहले। इन दिस चैप्टर, कर इस चैप्टर में वी विल लर्न हाउ अर्ली मैन यूज स्टोन्स, करा इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अर्ली मैन था, आदि मानव था, वो किस प्रकार से जो है पत्थरों का प्रयोग करता था। हाउ दे डेवलप देयर स्किल्स इन हंटिंग एंड टुक टू अ सेटल लाइफ नियर द रिवर्स, और किस प्रकार से वे लोग जो है किस स्किल द्वारा जो है वे लोग किस प्रकार से किस तकनीकी किस कुशलता से वे लोग शिकार करते थे और अपने जीवन को जो है नदियों के किनारे बसाने में जो है सफल हो गए। टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्ली मैन डेवलप हिज स्किल्स ग्रेजुअली, और यह समझने के लिए कि किस प्रकार से जो अर्ली मैन आदिमानव जो है वह जो है जो उसका स्किल है, जो कुशलता है, जो मतलब जो काम करने की उसकी तकनीक है, उस किस प्रकार से विकसित किया उसने, उसे जानने के लिए हमें उसे जो है किस प्रकार धीरे धीरे जो उसने अपना विकास किया, वी नीड टू स्टडी दिस पीरियड बाय डिवाइडिंग इनटू थ्री स्टेजेज, कह रहा है कि उसे जानने के लिए हमें जो है पढ़ना पड़ेगा इस पीरियड को, जो है पीरियड माने समय को जो है तीन भागों में बांट कर हम जो है जब पढ़ेंगे तो हमें जो है ज्ञात होगा कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी और किस प्रकार से वो किस किस एज में कितना प्रोग्रेस किए, कितना उन्नति किए हैं। जिस थ्री स्टेजेज आर, ये तीन स्टेज क्या है, तीन जो स्टेज हैं, जो समय है वो क्या है, युग है, वो है पैलिथोलिटिकल एज विच इज द ओल्ड स्टोन, करा कि जो ओल्ड स्टोन एज है बिटवीन लैक्स ऑफ ईयर एंड अप टू 10000 BC, करा कि लाखों साल पहले से लेके 10000 BC तक, बिफोर क्राइस्ट तक, इसको बोलते हैं पैलिथोलिटिकल एज। मेसोलिथिकल एज मतलब एक पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है जो होता है वो नव पाषाण काल। तो यही तीनों जो है एज इसमें दिए गए हैं। अब देखिए ये जो है पूरा पाषाण काल दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं पैलिथोलिथिकल एज। प्लियो मीन्स होता है ओल्ड एंड लिथ मीन्स होता है जो होता है मीन्स स्टोन, वही पूरा पाषाण मतलब जो पुराने समय की का जो समय था उसे पूरा पाषाण करते हैं। प्रिमेटिव मैन मीन्स मतलब जो आदि मानव था, वाज लिटिल और लिटिल बेटर देन द वाइल्ड एनिमल्स, जो आदि मानव था वो कुछ जो है आदमी जो जानवर थे उनसे जो है जो जंगली जानवर थे उनसे कुछ जो है अलग था। द ओनली डिफरेंसेज वॉज दैट, करा कि केवल उनमें जो है वो भिन्नता यह थी कि वाइल्ड मैन वॉक्ड ऑन टू फीट, कि उस समय जो आदि मानव था वो दो पैरों पर चलते थे, एंड यूज हिज हैंड वॉक्ड ऑन टू फीट एंड यूज हिज हैंड एनिमल्स वॉक्ड ऑन ऑल फोर फीट, और अपने हाथों का प्रयोग वे लोग करते थे। करा उस समय जो है जानवरों और आदि मानव बस यही भिन्नता थी कि उस समय के जो लोग थे जो वो दो पैरों पर चलते थे और वो हाथ से वर्क करते थे, उसके अलावा जो जानवर थे वो चार पैरों पर चलते थे। करा कि वो चारों पैरों पर जो उनके चार पैर थे वो चारों पैरों पर चलते थे। प्रिमेटिव मैन डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड ऑन फूड, करा कि जो आदि मानव था उसे यह नहीं पता था कि कैसे जो है वो अपना भोजन
जो है उत्पादन करे, कैसे विकसित करे। सो ही वॉज ऑलवेज ऑन द मूव इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेज, इसलिए वो हमेशा जो है एक नए स्थान के खोज में रहता था। वेयर ही कुड फाइंड फूड इजली, जहाँ पर उसे जो है भोजन आसानी से मिल सके। जो आदि मानव थे उन्हें यह पता नहीं था कि कैसे हम अपना भोजन जो है प्राप्त करें, कैसे जो उगाएं या उत्पादन करें, तो इसलिए वो हमेशा एक नए स्थान की खोज में रहते थे। और वो लोग जो है और वेयर ही कुड फाइंड, और जहाँ पर उन्हें जो आसानी से जो है जगह मिल जाता था, भोजन जहाँ पर आसानी से मिलता था वहाँ पर जाके वो रह जाते थे, बस जाते थे। दस अर्ली मैन वॉज अ नोमेड और अ वांडरर, इसलिए जो आदि मानव थे, जो अर्ली ह्यूमन थे, उन्हें जो वो जो है एक नोमेड लाइफ बिताते थे, यानी कि घुमक्कड़, यानी कि घूमने वाला जीवन बिताते थे, घूमते रहते थे हमेशा। मूविंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो हमेशा जो है भोजन और जो है स्थान की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे। सच अ मैन लिव्ड प्रोबेबली 5 लाख ईयर्स ago। इस प्रकार के जो है लोग जो रहते थे, जो घूमते रहते थे भोजन की तलाश में, 5 लाख साल पहले जो है इस प्रकार के लोग रहते थे। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, कुछ फिगर दिए हुए हैं, उनको भी आप लोग जो है थोड़ा सा केयर करेंगे तो उनसे भी कुछ हमें जो है ज़रूर नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर देखिए देखा फिगर 2.2, अर्ली मैन मेड यूज़ ऑफ एनिमल्स स्किन, बोन्स, स्टोन एंड वुड टू मेक हंट्स एंड टेंट्स। करा जो अर्ली मैन थे, जो आदि मानव थे, वो जानवरों का जो है, जानवरों की स्किन जो चमड़ी रहती थी उसका प्रयोग करके, उनकी हड्डियों का प्रयोग करके जो है, एंड वुड और लकड़ियों का प्रयोग करके जो है अपने लिए झोपड़ी बनाते थे और टेंट बनाते थे, तंबू बनाते थे। यहाँ पर जो दिया गया है, देखो फिगर में यहाँ पर दिया गया है उसको हम बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए फिगर दिया है 2.3, अर्ली मैन यूज स्पीयर्स, बोन्स, स्टोन्स फॉर हंटिंग। कह रहा जो आदि मानव था वो शिकार करने के लिए जो है भालों और जो है तीर धनुष का प्रयोग करते थे, और किसका, और पत्थरों का भी प्रयोग करते थे जो शिकार करने के लिए। मैन बाई नेचर इज वीकर देन एनिमल्स, कह रहा कि नेचर से यानी स्वभाव से जो आदमी था वो जानवर से जो क्या था वो कमज़ोर था। लाइक टाइगर्स, किसके समान, जैसे कि टाइगर्स थे, लायन थे, एलिफेंट्स, हाथी थे, ग्रेट रैपेटर्स और तमाम सरीसृप थे, लाइक डायनासोर्स थे, एंड ग्रेट लिजार्ड ईटीसी, और बड़े बड़े जो छिपकलियाँ रहती थी उनसे जो मानव थे वो स्वभाव से क्या थे, कमज़ोर थे। ही हैज़ नाइदर शार्प टीथ नॉर क्लॉ और हॉर्न्स, करा उनके पास ना ही जो है जो नुकीले दांत थे और ना ही जो है उनके पास जो है तेज पंजे, जिस प्रकार से पंजे होते हैं जो शेरों के, उस प्रकार से उनके पास पंजे थे, और ना ही उनके पास कोई किसी प्रकार की सींग थी, इसलिए वो क्या थे, स्वभाव से जो जानवरों से कमज़ोर थे। सो ग्रुप्स ऑफ मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन लिव्ड एंड मूव्ड टुगेदर, इसलिए जो आदमी और जो थे, जो लोग रहते, जो आदि मानव थे, वो समूह में आदमियों के, औरतों को के समूह में, बच्चों को लेकर जो है समूह में लेकर चलते थे। दे मूव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स बिकॉज इट वॉज सेफर टू बिलोंग अ ग्रुप रैदर देन मूव अलोन, करा वे लोग छोटे समूह में जो है घूमते थे, बिकॉज इट वॉज सेफर टू, करा कि क्योंकि जो है बहुत ही सुरक्षित था, ताकि मतलब वे लोग जो है दूसरे समूह में मतलब न मिल पाए, और अकेले न रहने से अच्छा था कि वे लोग कुछ लोगों के साथ चलें, ताकि उनको जो है जंगली जानवर से उनसे कोई खतरा ना हो। दे यूज शार्प स्टोन्स विच दे हैड सेव्ड इनटू नाइफ्स, और कह रहा कि वे लोग जो है तेज जो है धार वाले पत्थरों का प्रयोग करते थे, क्या बनाने के लिए, दे हैड सेव्ड इनटू नाइफ्स, यानी चाकू बनाने के लिए, कुल्हाड़ी बनाने के लिए, चोपर्स माने घनासा बनाने के लिए, इन सब को बनाने के लिए वे लोग जो है क्या करते थे, वे लोग जो है पत्थरों, नुकीले यानी तेज धारदार पत्थरों का प्रयोग करते थे, और किल एनिमल्स, और जानवरों को मारते थे, टू रिमूव देयर स्किन्स, करा कि वे लोग जो है जानवरों से बचने के लिए जो है, और जो है कि तेज धारदार जो पत्थरों का प्रयोग करते थे, जो चाकूओं कुल्हाड़ियों भी का प्रयोग करते थे जो है जानवरों को मारने के लिए, और उनके स्किन को यानी कि जो उनका उनकी खाल होती थी उनको निकालने के लिए, टू फेल ट्री, और पेड़ों को गिराने के लिए,
टू डिग द अर्थ एंड टू सेव वुड एंड स्टोन, और क्या करते थे जमीन को, पृथ्वी जमीन थी उसको खोदते थे, और टू सेव वुड एंड स्टोन, और जो है इस प्रकार से लकड़ी और जो है पत्थरों को गढ़ते थे। एज दिज टूल्स एंड वीपन्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, करा कि ये जो हथियार थे वो किसके बने हुए थे, पत्थरों के बने रहते थे, जो हमारे आदि मानव जो बनाते थे हथियार वो पत्थरों के बनते थे। सो द पीरियड वेन दिज पीपुल लिव्ड ऑन अर्थ इज नोन एज स्टोन एज, इसलिए इस एज को जिस समय लोग जो पृथ्वी पर रहते थे उस समय के मतलब जो है सो द पीरियड वेन द पीपुल लिव्ड ऑन अर्थ इज नोन एज द स्टोन एज, उस समय के युग को जो है स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। और पाषाण माने क्या होता है, पाषाण जो है वो पत्थर का परिवाची भी है, और प्रस्तर भी जो है पत्थर का परिवाची है। तो देखिए यहाँ पर परिवाची भी आप लोग दो जान लिए पत्थर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोन टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स एंड देयर यूज, उनका यूज क्या होता था, जो हथियार बनते थे जो स्टोन के जो पत्थरों के जो उनका यूज क्या होता था, हैंड एक्स, उनका हैंड एक्स लोग बनाते थे। इट वॉज अ पियर शेप्ड टूल, करा यह एक जो है पियर माने नाशपाती की तरह जो है शेप्ड रहता था, मतलब आकार का एक हथियार रहता था, विद शार्प एजेस ऑन ऑल द साइड्स, जिसके चारों तरफ क्या रहता था, चारों तरफ जो है शार्प रहता था, धार रहता था। इट वॉज यूज फॉर कटिंग कर्टेन सर्टेन ऑब्जेक्ट, और इसका प्रयोग जो है बहुत सारी चीज़ों को काटने में किया जाता था, फॉर स्मैशिंग सर्टेन थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए। अब देखिए यहाँ पर चोपर है, चोपर मिस होता है एक प्रकार का घणासा। इट वॉज मेड बाई शार्पिंग द थीनर ईडेज ऑफ द स्टोन, और ये जो है थीनर ईडेज स्टोन को मतलब जो है नुकीला, जो कि यहाँ पर फिगर में दिया 2.4 में भी जो है सभी चीज़ें जो है बनी हुई हैं, इनको आप लोग ध्यान से देख लें कि कैसे जो है चोपर बनता था, हैंड एक्स बनता था, या क्लीवर जो है वो कैसे बनता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो है टूल्स दिए गए हैं जो कि स्टोन द्वारा यानी कि पत्थरों द्वारा बनाए गए। अब यहाँ पर देखिए स्क्रैपर भी दिया है, स्क्रैपर क्या होता है, इट वॉज यूज क्लीन और सॉफ्ट द स्किन ऑफ एनिमल्स, करा इसका प्रयोग जो है वो जानवरों के जो है स्किन को जो है उतारने में किया जाता है, यानी कि जानवरों के मांस जो स्किन होती है जो त्वचा होती है उसको निकालने का इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, स्क्रैपर। फिर बर्ड दिया, इट वॉज यूज टू मेक द डीप होल्स इन द अर्थ, बर्ड का प्रयोग जो है धरती में जो है गड्ढे खोदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एरोहेड एरो मीन्स होता है तीर की नुमा जो होता है एरोहेड होता है, जो देखिए यहाँ पर दिया फिगर 2.4 में। इट वॉज यूज टू किल रनिंग एनिमल्स, और इसका प्रयोग जो है जानवरों को जो दौड़ते हुए जानवर रहते हैं उनको मारने में किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सभी हथियार दिए गए हैं और उनका क्या प्रयोग किया जाता है वो भी दिया गया है, और मैंने इसको बता भी दिया है, तो आप लोग इसको जो है अपने भी पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। आगे देखिए यहाँ पर दिया है पॉइंट टूल्स एंड वीपन्स, हथियार जो औजार और हथियार। द अर्ली मैन यूज शार्प ईडेड स्टोन्स एज इज टूल्स एंड वीपन्स, और कह रहा है कि जो अर्ली मैन है जो आदि मानव है जो है वो तेज धारदार जो है टूल्स यानी औजार और हथियार जो है प्रयोग करते थे। हिज टूल्स वर क्रूड, कह रहा है कि उनके जो हथियार रहते थे वो क्रूड होते थे, थोड़ा सा मतलब मुड़े टाइप से, रूखे टाइप से होते थे, एंड रफ और बहुत ही खुरदरे टाइप से होते थे। दिस वर मेड ऑफ बोन्स, और ये जो हथियार होते थे वो किसके बने होते थे, ये जो होते हड्डियों के और सिंहों के, लकड़ियों के और पत्थरों के बने होते थे। फ्लिंट वॉज कॉमनली यूज स्टोन, कह रहा है कि इसमें जो है एक फ्लिंट जो होता है एक पत्थर होता था उसका प्रयोग जो है प्रायः जो है हथियार बनाने के लिए किया जाता था। इट वॉज अ हार्ड स्टोन ग्रे इन कलर, और कह रहा है एक जो है ठोस पत्थर होता था जो कलर में जो है ग्रे होता था, भूरा होता था। इट कुड बी ईजिली चोप्ड और शेप्ड, और कह रहा है इसको जो है आसानी से जो है इसको जो है शार्प किया जा सकता था, इसका शेप जो है काटा जा सकता था, किसका, फ्लिंट का। सो फ्लिंट स्टोन वॉज ऑफन यूज टू मेक नाइस, इसलिए जो है फ्लिंट स्टोन का, फ्लिंट पत्थर का जो है प्रयोग प्रायः जो है वो चाकू बनाने में, गणासा बनाने में और कुल्हाड़ी बनाने में किया जाता था। अब आगे देखिए यहाँ पर लेटर ऑन, करा आगे चलकर वुडन स्टिक्स और रफ हैंडल्स वर टाइड टू दिच, और करा आगे चलकर इसमें जो है
जो है रफ हैंडल वेयर टाइड ऑफ, मतलब जो है लकड़ी के जो है जो लकड़ी के छड़ियाँ होती हैं, जो लकड़ी का कटा हुआ भाग होता है उसको जो है इनमें जोड़कर जो है हथियार बनाने लगे जाया लगा। इन दिस वे देयर यूज बिकम ईजियर देन बिफोर। और इस प्रकार से जब हम जो है लकड़ी और पत्थर का प्रयोग करके जो है औजार बनाने लगे तो ये इसके द्वारा जो है हमारे काम में जो है आसानी आने लगी। और ये जो औजार बनने लगे वो पहले से जो है क्या थे, आसानी से चलते थे और बहुत ही जो है अच्छे रहते थे। दे यूज दीज टूल्स एंड वीपन्स टू फेल ट्रीज। और ये जो आदिमानव थे वे उनका प्रयोग जो है पेड़ काटने के लिए करते थे और जानवरों को मारने के लिए और उनके जो है स्किन को यानी कि खाल को निकालने के लिए और धरती को खोदने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। स्पेसिमेन ऑफ दीज टूल्स एंड वीपन्स हैव बीन फाउंड इन रिवर वैलीज लाइक द रिवर्स ऑफ सोन। और जो खोजे जो मतलब जो नमूने मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, करा इस प्रकार के जो नमूने मिले हैं, जो औजार मिले हैं, जो हथियार मिले हैं वो जो है घाटियों से, नदी घाटियों से मिले हैं। और किस नदी के किनारे, रिवर्स ऑफ सोन नदी के किनारे नाऊ जो पाकिस्तान में है, नर्मदा गोदावरी एंड तुंगभद्रा। इस प्रकार के जो साक्ष्य मिले हैं, जो हथियार मिले हैं वो जो है सोन नदी जो कि पाकिस्तान में है, नर्मदा गोदावरी और तुंगभद्रा नदियों के तट के किनारे मिले हुए हैं। इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं। अब देखिए उस समय के जो लोग थे, आदिमानव थे, उनका जो है उनका क्लोज और शेल्टर क्या था, मतलब उनका वस्त्र और जो है स्थान कैसा था। द प्रिवेटिव मैन इज सेड टू हैव हैड लॉन्ग हेयर्स ऑन हिज बॉडी। जो आदिमानव थे उनके शरीर पर जो है ऐसा माना जाता है कि जो आदिमानव थे उनके जो बाल थे बहुत ही लंबे थे और उनके शरीर पर जो है बाल उगे रहते थे। उनके बाल भी लंबे होते थे और उनके पूरे शरीर पर जो है बाल उगे रहते थे। बट स्टिल ही हैड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट रेन और कोल्ड। बट स्टिल फिर भी ही हैड टू प्रोटेक्ट, और उनको जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है उन्हें अपने आप को बचाने के लिए जो है वर्षा और ठंड से बचाने के लिए, सो द स्किन ऑफ द हंटेड एनिमल्स बिकम हिज क्लोथिंग। उसके बावजूद जो बाल रहते थे उसके बावजूद वे लोग जो है जानवरों का शिकार करके जो है उनकी खाल का प्रयोग जो है अपने शरीर को ढकने या सर्दी या बरसात से बचाने के लिए करते थे। ही ऑल्सो यूज द बार्क ऑफ ट्रीज और लीव्स कवर हिज बॉडी। और वो जो है जो पेड़ों की छाल और उनके पत्तों का भी प्रयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। कौन करता था, जो आदिमानव थे। फॉर हिज शेल्टर ही वेंट टू केव्स, करा कि जो शरण के लिए यानी कि रहने के लिए वह जो है गुफाओं में जाते थे। समटाइम्स ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड थिक ट्री लीव्स फॉर शेल्टर। और कभी कभी जो है उन्हें जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए मोटे पेड़ों के तने जो होते थे उनके पीछे उन्हें छिपना पड़ता। अगेंस्ट द रफ वेदर, मतलब जो है ख़राब मौसम के खिलाफ, या यूँ कहें कि जो है जो जंगली जानवर थे उनसे बचने के लिए जो लोग हैं मोटे जो है पेड़ों के तने के पीछे जो है उन्हें छिपना पड़ता था, रहना पड़ता था। अब आगे हम लोग देखेंगे द डिस्कवरी ऑफ फायर, करा कि आग की खोज कैसे हुई। इन द प्रिमेटिव एज, करा कि मतलब जो प्रिमेटिव एज है, जो आदि काल है, मैन डिस्कवर्ड फायर बाय चांस और गुड लक। जो आदमी है वो उसने जो है जो आग का आविष्कार किया, जो खोज की, वो उसका एक चांस था, अवसर था, एक गुड लक था। एबिलिटी टू मेक फायर वॉज मेजर डिस्कवरी ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। और जो इसकी योग्यता थी, जो प्रमुख योग्यता थी वो थी कि उस जो ओल्ड स्टोन एज के जो आदमी थे उन्होंने जो है आग की खोज की। फायर चेंज हिज लाइफ, करा कि जो आग था उसने उनके जीवन को बदल दिया। ही गॉट वार्मथ एंड लाइट फ्रॉम इट, और इससे उन्हें आग से उन्हें जो है गर्मी मिली और उन्हें प्रकाश भी मिला। ही कुड रोस्ट हिज फूड विच बिकेम टेस्टियर, और उन्होंने अपना जो है भोजन जो है पकाना शुरू किया, रोस्ट करना शुरू किया, भूनना शुरू किया, जो उन्हें जो है कच्चे मांस से अधिक जो है अच्छा लगने लगा, टेस्टियर लगने लगा, स्वादिष्ट लगने लगा। मोर इजिली डाइजेस्टेबल एंड मोर नर्सिंग, और यह आसानी से जो है डाइजेस्टेबल, पाचन में मतलब पचने में भी अच्छा था और ये पोषक भी होने लगा।
और हम सब लोग इस समय भी जानते हैं कि हम लोग कच्चे से अच्छा जो जो लोग हम पका खाते हैं वो जल्दी पच जाता है, और कच्चा जो जो चीज़ खाते हैं हम लोग जल्दी वो नहीं पचता है। तो इसी प्रकार से जब उनको उनको आग का आविष्कार उन्होंने कर लिया तो वो लोग भोजन को पका के जो है खाने लगे, जिससे उनका टेस्ट बदल गया और उनको जो है अच्छा जो पोषक तत्व तो मिलने लगा। ही कुड आल्सो नो डाउट फायर वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर फॉर द प्रिमिटिव मैन एंड बिगेन टू वर्शिप इट। और उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, ये किसी लक्ष्य से कम नहीं था, खोज से मतलब जो है बहुत ही बड़ा इनके लिए बड़ी उपलब्धि थी, जिसको आदमियों ने क्या किया मैन एंड ही बिगेन, और उन्होंने क्या किया आग की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से जो है आग का आविष्कार होगा। अब यहाँ पर देखिए आर्ट ड्राइविंग पेंटिंग्स जो दिया हुआ है, उनका आर्ट ड्राइविंग पेंटिंग्स क्या था, मतलब उनकी ड्राइविंग क्या थी, कला क्या थी, पेंटिंग्स क्या थी, उनके आभूषण क्या थे। ड्यूरिंग फ्री टाइम, कह रहा कि जब वो खाली जगह समय में रहते थे, द प्रिमिटिव मैन ड्रू आउटलाइंस एंड मेड रफ स्केचेज ऑफ एनिमल्स एंड हैड हंटेड। और क्या करते थे वे लोग जो है स्केच बनाते थे, जो है खाका बनाते थे, किसका, जानवरों का जो है खाका बनाते थे। मेड रफ स्केचेज ऑफ एनिमल्स हैड हंटेड, जो शिकार करने वाले जो जानवर रहते थे उनका जो है वो एक स्केच बनाते थे, उनका फिगर बनाते थे। ही मेड ऑन केव वॉल्स, और इस प्रकार का जो फिगर वो जानवरों का बनाते थे वो कहाँ बनाते थे, गुफाओं में और दीवालों पर, सीलिंग करा छतों पर जो छतें रहती थी उस पर, और इवन ऑन हैंडल ऑफ टूल्स, और नहीं तो वे किस पर बनाते थे, जो औजार रहते थे उनके मुठिए पर बनाते थे। ही आल्सो कलर दिज विद वेट क्ले, और वे इसे जो है कलर भी करते थे, यानी कि रंगते भी थे, किससे, भीगी हुई मिट्टियों से। दिस स्केचेज बिकम ब्यूटीफुल डिजाइंस, और ये जो स्केचेज थी जो बनाने की जो इनकी कला थी वो बहुत ही सुंदर डिजाइन में बनती थी। दे शोड हंटिंग सीन्स, और इस पर ये लोग क्या दिखाते थे, जो है शिकार करता हुआ समय दिखाते थे कि जो शिकार करते हुए कैसे मतलब जानवर दिखते हैं। दिस हैव बीन फाउंड इन केव्स एट अल्टमीरा इन स्पेन, करा इस प्रकार की जो चीज़ें पाई गई हैं वो अल्टमीरा स्पेन में भी पाई गई हैं, इन फ्रांस में, एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी पाया गया है, बिहार, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश इन इंडिया, भारत के भी कुछ भागों में इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं कि जो है पुराने जमाने में जो स्केच बने हुए थे वो कहाँ पर बने हुए हैं और कैसे हैं। अब आगे हम देखेंगे रिलीजियस बिलीफ, करा कि धार्मिक विश्वास उनका क्या था। अब हम लोग रिलीजियस बिलीफ पढ़ने के बाद इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, और जो है नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ चीज़ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वास उनका कैसा था। मैन इन द अर्ली स्टोन एज हैड नो क्लियर आइडिया ऑफ रिलीजन, करा कि जो आदि मानव थे, जो स्टोन एज के जो मानव थे, पाषाण काल के जो लोग थे, उनका जो है धार्मिक में कोई जो है एक क्लियर स्पष्ट जो था कोई धर्म नहीं था उनका। बट ओनली सम बिलीफ, केवल एक मतलब कुछ ही उनका जो विश्वास था, विच ग्रीव आउट ऑफ इज इग्नोरेंस एंड फियर, जो उनका जो एक विश्वास था वो कैसे था कि जो है इग्नोरेंस यानी अज्ञान और डर से वे लोग जो है किसी चीज़ को मानते थे, अज्ञानतावश या यूँ कहे डरवश जो है वो जो है किसी धर्म को मानने लगे। सम ऑफ इज बिलीफ वर एज अंडर, करा उनका जो है कुछ विश्वास इस प्रकार से था, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द राइजिंग एंड सेटल ऑफ सेटिंग इन ऑफ द सन, वह सूर्य के छिपने और उगने के बारे में उनके पास कोई जो है उनको समझ नहीं थी, द मून और तारों मतलब चंद्रमा के बारे में, स्टार तारों के बारे में, वर्षा के बारे में, थंडर यानी गर्जन जो होता है बरसात, तूफान के बारे में, और जो बिजली की गड़गड़ाहट होती है उनके बारे में उन्हें जो है कोई क्लियर स्पष्ट जो है कोई उनको समझ नहीं थी उस चीज़ों के बारे में। ही इवन रिगार्डेड दिस एज अ एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर, इसलिए वे लोग इन सभी चीज़ों को जो है एक दैवीय जो है क्रोध के रूप में जो है शक्ति के रूप में दैवीय शक्ति के रूप में इन्हें मानते थे। जो ये सारी घटनाएं होती थी ये सब उनके लिए एक धर्म के रूप में था, और द रैथ ऑफ सम सुप्रीम पावर, या यूँ कहें कि मतलब ये एक जो है सुप्रीम पावर था सर्वोपर, ये जो चीज़ें होती थी इन्हें लोग जो है
सबसे ऊपर की शक्ति मानते थे कि इसके द्वारा कुछ भी हो सकता है, कुछ किसी भी चीज़ में बदलाव हो सकता है या कोई भी जो है इससे जो है बदल सकता है या इनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सो इन एवी ही बिगेन टू वर्शिप दिस इन वन फॉर्म और अनदर। सो इसलिए वे लोग जो है इन सभी चीज़ों को का जो है पूजन करने लगे, एक या अन्य जो है समूहों में होकर या एक दूसरे से मिलकर जो है वे लोग क्या करने लगे, इन सभी चीज़ जितनी भी जो घटनाएं होती थी, जिस द सन है, द मून है, द स्टार्स हैं, रेन है, जो गड़गड़ाहट है बिजली की, जो तूफान आते हैं, जो बिजली चमकती, इन सभी चीज़ों की जो है सब लोग जो है मिलकर जो है पूजा करने लगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो है चैप्टर का 3 पेज जो है कंप्लीट होता है, और इसका बचा हुआ जो 2-3 पेज और है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी लोग जो है इसको अच्छे से सुन लेंगे और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ भी लेंगे, और जो लोग इस अभी तक जो है लिख नहीं पाए हैं या नोट नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, उन लोगों को जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं वे लोग अपने मित्रों को भी जो है इसके प्रति जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारा इतना लेसन कंप्लीट हो चुका है और आपको भी जो है ये लेसन जो है कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आप लोग जब ऑफलाइन आएँ तो आप लोगों को जो है ये नहीं कि इन पीछे वाली चीज़ों को जो है बार बार रिवाइज करानी पड़े या बतानी पड़े या लिखवानी पड़े, जिससे हमारा जो बचा हुआ समय है वो अभी व्यर्थ में जाए। नहीं तो इस प्रकार से अगर आप भी मेहनत हमारे जैसे करते हैं घर पे, तो आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा और आपका जो कोर्स है वो समय से कंप्लीट होगा और आपको जो है लॉकडाउन में जो है ज़्यादा हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपकी पढ़ाई जो है ज़्यादा बाधित नहीं होगी, आप लोग कुछ सीख सकते हैं ऑनलाइन भी, जिस प्रकार से आप लोग यूट्यूब पर जाके अन्य चीज़ों को देखते हैं उसी प्रकार से अगर आप लोग पढ़ने वाली चीज़ों को देखेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो और बढ़ेगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है लगातार पढ़ते रहिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए